नमस्कार, पंडित ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस साल दिवाली का त्योहार 7 नवंबर 2018 बुधवार के दिन है। इस साल लक्ष्मी मुहूर्त, इस साल दिवाली का शुभ मुहूर्त शाम को 5:57 से 7:53 तक का है। दोस्तों, इस समय लक्ष्मी पूजन करने पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और यह साल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। प्रत्येक हिंदू परिवार को महालक्ष्मी जी का पूर्ण आशीर्वाद पूरे साल के लिए प्राप्त हो, इसी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए हम अपने घर कार्यस्थान की सफाई रंग रंगोन कर महालक्ष्मी की स्थायी निवास की कामना करते हैं और दीपावली के दिन पूरी श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी की पूजा आरती करने से हम सभी को धन से संबंधित सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति अपने यथा ज्ञान अनुसार लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन तो करता ही है, किंतु शास्त्र ज्ञान ना होने के कारण हम कुछ विशेष बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिन बातों का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ऐसी ही वह 5 बातें हैं जो अक्सर दीपावली पर हम गलती कर देते हैं। 90% लोगों को जानकारी ना होने के कारण यह 5 गलतियां विशेष रूप से लोग करते हैं, जिस कारण हमारी पूजा व्यर्थ तो हो ही जाती है, साथ ही हमारे घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। तो चलिए जानते हैं उन विशेष बातों के बारे में। दोस्तों, दीपावली पर पूजा के समय सदैव याद रखें, जो आपका मुंह है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा की ओर मुंह करके ही आप दीपावली की पूजा करें। पूर्व दिशा में मुंह कर पूजा करने से घर के सभी जातकों के अंदर सद्भाव, सद्विधि और सदाचार की प्राप्ति होती है तथा आपके घर में रिद्धि सिद्धि और कुबेर देव का वास होता है। दीपावली के दिन घर में पूर्व दिशा की ओर मुंह करने से सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है और ये तो आप सभी जानते है। जिस घर में सुख शांति प्रसन्नता ऊर्जा महसूस होती है, वहाँ पर महालक्ष्मी जी का वास अवश्य होता है। व्यापार स्थान पर पूजन करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुख कर अगर आप करते हैं तो वहाँ कुबेर भगवान की दिशा मानी जाती है। व्यापार स्थान पर दीपावली के समय उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ही पूजन करना चाहिए, ताकि महालक्ष्मी और कुबेर देव का आशीर्वाद आपके कार्य स्थान पर बना रहे। दूसरी विशेष जानकारी, जिस बात का आपको ज्ञान होना अवश्य है, दीपावली पर पूजा स्थान पर आप लक्ष्मी माता की बैठी हुई प्रतिमा या फोटो लगाएं तथा व्यापार स्थान पर आपको माता लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा लगानी चाहिए। शास्त्रों में माता लक्ष्मी के 2 रूप बताए गए हैं, बैठी लक्ष्मी को स्थिर लक्ष्मी अथवा खड़ी हुई माता लक्ष्मी जी को चल लक्ष्मी बताया गया है। तो दोस्तों, जब भी आप घर या तिजोरी में माता लक्ष्मी का पूजन करें तो बैठी हुई लक्ष्मी का आपको पूजन करना चाहिए। वहीं व्यापार स्थान पर आपको खड़ी लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, जो समय चलकर आपके पास धन लाए। व्यापार स्थान पर धन आता जाता रहता है तो भी व्यापार में वृद्धि होती है। दोस्तों, तीसरी विशेष बात, सभी लोग गलती करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीपावली का त्योहार है और हम घर और व्यापार स्थान के बाद शुभ और लाभ लिखते हैं, किंतु अक्सर देखा जाता है कि घर हो या व्यापार स्थान, पहले शुभ लिखा जाता है और उसके बाद लाभ लिखा जाता है। किंतु शास्त्रों में यह बात विशेष रूप से बताई गई है कि घर पर तो आप पहले शुभ और फिर बाद में लाभ लिख सकते हैं, परंतु व्यापार स्थान पर आपको पहले लाभ और बाद में शुभ लिखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा इसीलिए है कि घर में शुभ कार्य होते रहे, इसलिए शुभता को प्रथम पद दिया गया है। तो दोस्तों, वही व्यापार में लाभ पहले हो, इसलिए व्यापार लाभ को प्रथम स्थान दिया गया है। व्यापार स्थान के पूजा घर की तिजोरी, व्यापार स्थान के मुख्य द्वार पर लाभ पहले और शुभ आपको बाद में लिखना चाहिए। तो वही दूसरी तरफ मुख्य द्वार पर शुभ पहले और लाभ बाद में लिखना चाहिए। वो घर पर जिस स्थान पर आप धन रखते हो, वहाँ पर लाभ पहले और शुभ आप बाद में लिखें, क्योंकि उस स्थान को लक्ष्मी का स्थान माना जाता है और घर के भंडार में वृद्धि हो, इस कामना का हमें ध्यान करते हुए तिजोरी पर लाभ पहले और शुभ आपको बाद में लिखना चाहिए। जी हां दोस्तों, और विशेष बात मैं आपको बता दूं कि पूजा करते समय चांदी की विशेष चीजें आपको अवश्य रखनी चाहिए। चांदी का सिक्का, चांदी के बर्तन, चांदी की अंगूठी, कुछ भी हो तो आप रख सकते हैं। और व्यापार स्थान की पूजा पर आपको पैसे रखने चाहिए, जितना भी आप रख सके। तो वही दोस्तों, दूसरी तरफ आप घर के पूजन में जो चांदी के बर्तन
और वस्तु रख रहे हैं उसे आप पूर्ण वर्ष अपनी तिजोरी में आपको रखना है। और बात करते हैं उस पांचवी गलती के बारे में जो हम अधिकतर दीपावली में करते हैं। दीपावली वाले दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं, यानी कि आरती आप कर सकते हैं, पर लेकिन जिस दिन आप विसर्जन कर रहे हो उस समय आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों आरती। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई होगी और आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।